सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप एकदम अच्छे से होंगे। तो अभी हो गई है सुबह और मॉर्निंग के बज रहे हैं 11 और अभी मैंने सारा काम वगैरह कर लिया है, सबने चाय नाश्ता कर लिया है। बाबू की मालिश हो गई है, वो सो रही है, जब उठेगी तो उसको नहलाएंगे। और आज का क्या डे रहेगा वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आपको ब्लॉग ज़रूर मिलेगा। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। वो उठ जाएगी, वो नहा लेगी, तब आपको उससे मिलवाएंगे। और बाबू तो स्कूल गया है, स्कूल से आएगा, फिर ट्यूशन जाएगा, फिर ट्यूशन से आएगा, तब यहाँ पे आएगा, तब आपको मिलवाएंगे। तो चलो ब्लॉग में बने रहिएगा, फिर मिलते हैं कुछ देर बाद। तो बाबू भी नहा लिया, मैंने भी नहा लिया, बट बाबू को ना मैंने हाय बोल दो। हाय हाय गाइस, हाय बोल लिया, हाय हाय गाइस बोल दो। देखो देखो ये देखो गाइस आपको बुला रहे हैं। हाँ गाइस, और हाँ 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 आने छम आ गई है भाई, ये बहुत घूमने लग गई है। बाबू भी आ गया, बाबू आज स्कूल नहीं गया था, आ गया वो। अरे स्कूल नहीं गया था तो घर में आ गया, आज उसकी तबीयत खराब थी इसलिए थोड़ी सी, इसके लिए स्कूल नहीं गया वो। और ये बाल खा रहे। ये देखो आज भी हमारा कमरा फैला पड़ा है, और क्यों फैला पड़ा है, हम कर रहे हैं बेड की सफाई। उस दिन मैंने हमने कमरे में ट्रंक की सफाई कर दी, आज हम कर रहे हैं बेड की सफाई। तो बेड में से ये निकाला है और ये सारा खाली करके अब इसके ऊपर धूप दिखाएंगे। और हमें ना एक चीज मिली, बिस्तर बेड में से निकले हैं और इनको धूप लगा रहे, और ना इनको ना कपड़ों को कीड़ों ने खा लिया क्योंकि बेड में रखे थे, निकाला नहीं, धूप नहीं लगाया, तो इस वजह से ना कीड़ों ने खा लिया। अब हमें पता चला तो हम लोगों ने सारा कुछ ये निकाला है और धूप में डाला है, धूप भी तेज है। ये हमारे इतने सारे कपड़े हैं, ये सारे ना सरकारी कम्बल है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये। कोई आ गया था तो मैं ऊपर आके बता रही हूँ, तो चादर मिली है, चादर कोई मामूली चादर नहीं है। मम्मी की शादी में मेरे नाना नानी ने मम्मी को ये चादर दी थी जब शादी हुई थी, तो तब से लेकर आज तक संभाल के रखी थी बेड में अच्छे से। बट शादी को भी 40 से 45 साल होने वाले हैं और पापा भी नहीं है, तो इस वजह से ये हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट है, मम्मी के लिए भी। और तो अब इसको अच्छे से धूप लगा देंगे और फिर हम इसको अच्छे से सेफ जगह रखेंगे। तो अभी लगा देते हैं इसको धूप ताकि नमी और कीड़े हट जाएं। जा रहा है टूसा, क्योंकि 3 बज गए, टूसन जा रहा है। तो अभी बज गए हैं 3 और हमारा सारा काम हो गया है खत्म। बेड हमने साफ किया, बेड के कपड़े जो ठंडे वाले कपड़े थे, रजाई वगैरह, वो हमने रखा। और बेड में देखा तो बेड के जो कपड़े थे वो भी ख़राब हो रहे थे, उनमें कीड़े वगैरह लग रहे थे, तो उनको धूप दिखा दिया ताकि कीड़े मर जाए और थोड़ा सा नमी जो होता है वो भी हट जाए। और ये इसको हमने छोड़ दिया था नला दुला के इसकी मौसी के घर, तो ये वहीं थी और वहाँ से अब भी आई है क्योंकि इसकी मौसी को जाना है बाबू को ट्यूशन छोड़ने। तो मौसी गई है ट्यूशन छोड़ने और इसकी मम्मा गई है नहाने, सारा बेड वगैरह समेट के। और मैं फिर मैंने इसको पकड़ रखा और ये शैतानी करने में लगी पड़ी है। तो बाबू तो चलो मिलते हैं कुछ देर बाद। तो भाई अब खाने जा रहे हैं, खाने में है आलू टमाटर की सब्जी और रोटी, तो चलो अब खा लेते हैं फटाक से, देखने में तो मस्त लग रही है तो खा लेते हैं। चलो क्या है, इसको रसभरी कहते हैं। और ये रसभरी है, खा के बता, खाए खाए, तुमको नहीं खाना है, तुमको नहीं खाना बेटा, मैं खा के तुम। खट्टा है, खट्टा है। नहीं हम खाएंगे।
हमने। लाल चालिया अभी नहीं, अगले महीने से। इधर बाबू भी लेके आया है, क्या बोलते बाबू, अच्छा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दिखा के बताओ, पूरा एक साथ ही खा गया? मजा आ गया। कैसा लग रहा है? खट्टा खट्टा और मीठा भी। यहाँ पे बाबू धो धो के खा रहा है ना बाबू? अरे पहले पहले ना निकाल लो फिर खा लो। ठीक है, लाइट चली गई है और यहाँ पे हमारी बिटकुन की ड्रेस रेडी हो रही है। ये देखो कितनी प्यारी प्यारी कल पहनेगी। कल हमारा बाबू कितने महीने का हो जाएगा? पूरे 6 मंथ का, और 6 मंथ की ड्रेस रेडी हो रही है ना बाबू? रेडी करवाने आई है ड्रेस। देखो देख रही है अच्छी बनी है नहीं बनी है। अच्छी बन रही है बाबू ड्रेस? सही से बन रही है? टेलर सही से काम कर रहा है? टेलर इसकी मम्मी है। टेलर इसकी मम्मी है। चलो अब कमरे में चलते हैं। कमरे में यहाँ पे खा रहे हैं रसभरी खा रहे हैं। हे गाइस, तो अभी हो गई है रात, खाना वगैरह खा लिया है, बाबू अपने घर जा चुका है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक चैनल सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।